नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ शितु सिंह। पलेरा के ग्राम टोरी में तेंदुए के हमले से खेत पर काम कर रहे तीन किसानों पर किया जानलेवा हमला। लोगों की मदद से पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कर उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जब इसकी सूचना वन विभाग को दी, जब वन विभाग के रेंजर वैभव सिंह चंदेल गांव के लोगों के साथ पहुंचे, तो उनकी गाड़ी के साथ रेंजर को भी घायल कर दिया गया, जिनको पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया गया। इलाज के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। रेंजर ने बताया कि उसको पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा टीम बुलाई जा रही है, साथ ही गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। खेतों के पास बने घरों में भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अचानक तेंदुए के हमला होने से ग्रामीण दहशत में है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर है और उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी हम लोग दहशत में हैं और प्रशासन जल्द से जल्द उसको पकड़े। बीट प्रभारी ललित राय ने बताया कि आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। 25 लोगों का दल आने वाला है और पकड़ने का कार्य जल्द ही किया जाएगा। पलेरा से सोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रमोद कुमार तिवारी, क्या हो गया यहाँ से? वो कोई जानवर था, गांव वालों को दो तीन आदमी को घायल किया उसने। इसके बाद वन विभाग की टीम आई तो साहब बोले मेरे साथ चलो रास्ता बताने। साहब के हम साथ गए। साहब वहाँ जिस सुबह पहुंचे स्पॉट पर तो साहब देखते रहे वहाँ। उनने कहा, मैंने कह दिया साहब ये मेन स्पॉट है, तीन आदमी को घायल किया है। वो नहीं माने, उनने टटिया खोली। साहब ने कहा अंदर गाड़ी कर दें, और जैसी गाड़ी उनने अपनी अंदर गई तो बगल में था तो साहब नीचे थे, दो बल रक्षक आगे पीछे थे, तो वो सीधे आया साहब के ऊपर अटैक किया तो उनकी आँख खून निकलने लगा और ये बाया हाथ भी पूरा निकाल के वो साहब एक बगल के भाग गिरे। उसके में फिर वो अटैक करके वो भाग गया। उन्होंने साहब को गाड़ी में रखो और उनको पलेरा लेके चले गए। पहले तीन आदमी को घायल किया सर। कैसे पता चला? पहले साहब आलू लगा रहा था एक छदामी प्रजापति, तो वो पीछे से आया आलू लगा तो उसको घायल किया, तो वो गांव वालों को पता लगा कोई जानवर है तो उसको उठा लिया। वो जानवर उधर से नीचे नाला था उसमें चला गया, तो गांव वालों ने देखा कि कौन सा जानवर है, तो 10-50 आदमी गांव के देखने के लिए गए, तो वहां जा रहे थे देख लिए, इसलिए उसने देवंत कुमार पटेया के ऊपर उसने अटैक किया। तो बगल में एक दो साथ में जो आदमी थे उनने सोचो लाठी मारे, तो लाठी रमलू कुमार ने हरवार ने लाठी मारी तो लाठी ने उसमें घायल किया, उन्होंने रमलू कुमार को भी घायल कर दिया। इसके अहरवाय का अहरवाय को घायल कर दिया। इसके बाद फिर वन विभाग की टीम आई और पुलिस विभाग भी जो लोग हैं, फिर वन विभाग की टीम गाड़ी लेके हम उनके साथ में गए वहाँ पर स्पॉट पर। ये सुबह 12 बजे के दरमियान यहाँ विभाग को सूचना दी गई थी टोरी ग्राम से कि यहाँ एक शेर आया है। तो जैसे ही तत्काल सूचना मिली तो वन विभाग की टीम के हमारे रेंज ऑफिसर श्री वैभव सिंह चंदेल, बाकी समस्त पलेरा जतारा स्टाफ जैसे ही मौके पे आए तो उसका पहचानने की कोशिश की सर लोगों ने कि ये है क्या, तेंदुआ है कि लकड़बग्गा। थोड़ा यहाँ अपने क्षेत्र है, जंगली एरिया नहीं है, तो यहाँ तेंदुआ कम पाया जाता है, लकड़बग्गा ज़्यादा रहता है, जैसे लोकल भाषा में अदलाना बोलते हैं। तो जैसे ही वहाँ मौके पर हमारे रेंजर साहब ने जैसे ही देखा, उसने तत्काल सर के सिर पे और हाथ पे अटैक किया, तो थोड़ा उन्हें गहरा घाव हुआ और तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा को पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। और यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि दो तीन लोगों को और गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज उनका पलेरा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इसकी सूचना तत्काल माननीय DFO साहब को दी गई है, इसकी सूचना उन्होंने CCF महोदय को कर दी है। वहाँ से पन्ना से तत्काल रेस्क्यू टीम आने वाली है, डॉक्टरों की टीम रहेगी, इसमें 25 लोगों का अपना दस्ता रहेगा जो शीघ्र ही टोरी ग्राम में आने वाला है और उसका रेस्क्यू करके उसे टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं जी, जो तेंदुए होते हैं पाए नहीं जाते, पर क्यों अगर ऐसा है कि मतलब वन विभाग की क्या लापरवाही है? नहीं नहीं, इसमें कोई भी तरीके की लापरवाही नहीं है, क्योंकि इस टाइम में ठंडियों के टाइम पे ये अपना आस पास में ओरछा लगा है, जहाँ थोड़ा उनको रहने का जिस टाइप में वो उनका बायोडाइवर्सिटी रहती है, जिस टाइप में उनका माहौल रहता है रहने को, उस टाइप का क्लाइमेट उन्हें लगा होगा, तो ये इनका ऐसा रहता है कि एक रात में जी 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तो उस हिसाब से वो एक रात में यहाँ आ गए होंगे कहीं से दूर से भी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विभाग की लापरवाही है। अभी उस पर निगरानी है, बाकी गांव वाले से निवेदन है हमारा कि वो उसके पास ना जाएं और अपने घर में ही सुरक्षित रहें। बाकी टीम तत्काल आने वाली है, माननीय CCF साहब महोदय ने उनको जानकारी दे दी है, जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो तत्काल कुछ समय बाद यहाँ आने वाली है।